ऑन द स्पॉट 24 के डिजिटल चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साहिबगंज जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत डिहारी गांव में गलवान घाटी में शहीद कुंदन ओझा के आदमकद प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उनके गांव में कार्यक्रम आयोजित की गई और इस कार्यक्रम में राजमहल के विधायक अनंत ओझा सहित दर्जनों भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए। सभी ने श्रद्धासुमन अर्पित कर शहीद कुंदन ओझा के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि आज ही के दिन 16 जून 2020 को कुंदन ओझा शहीद हो गए थे और वह गलवान घाटी में देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। आज इनके पुण्यतिथि के अवसर पर इनके पैतृक गांव में आदमकद प्रतिमा का विधायक निधि से उद्घाटन किया गया है, जिससे कि युवाओं को प्रेरणा मिल सके और युवा में देशभक्ति की भावना जग सके। शहीद कुंदन ओझा जी के इसी पुण्यतिथि पर हम सब लोग उन्हें नमन करते हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हमारे लिए भी गर्व है कि इस गांव का नौजवान मातृभूमि के लिए हंसते हुए खुद के प्राणों की आहुति दी है। आज हर जिले वासियों को, झारखंड वासियों को गर्व का दिन है और उनके स्मृति में आज हमने विधायक निधि मद से उनके प्रतिमा का लोकार्पण किया, ताकि आने वाला पीढ़ी जो है उनकी शहादत पर गर्व कर सके और गर्व के साथ साथ उनकी स्मृति के साथ से उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर के देश के लिए भी हमें कुछ करना है, इस भाव के साथ इस क्षेत्र के नौजवान अधिकाधिक संख्या में देश की सेना में, देश के जो विभिन्न हमारा अर्धसेना है उसमें अपनी भागीदारी निभाए और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर के ये जिले के नौजवान, झारखंड के नौजवान अपने सपनों को पूरा करें। आज उनके पुण्यतिथि पर उनके परिवारजनों को सम्मानित करने के साथ साथ मुझे वो गर्वबोध की भी अनुभूति होती है। इस गांव का एक सामान्य नौजवान ने अपनी शहादत से मातृभूमि के लिए कम आयु में अपना बलिदान देने का काम किया।